पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले टीम बन गई है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेली गई सेमीफाइनल मैच में 153 रन का टारगेट चेस कर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान 13 साल बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। पाकिस्तान टीम 2007 में खेली गई पहली T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचा था। बाबर आजम 53 और मोहम्मद रिजवान ने 57 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। दोनों ने 105 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। पाकिस्तान बॉलिंग की बात करें तो शाहीन अफरीदी ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 2 विकेट ली। न्यूजीलैंड की ओर से डेरिल मिचेल ने 53 रन की पारी खेली और कप्तान केन विलियमसन ने 46 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने डेरिल मिचेल के साथ 50 गेंद पर 68 रन की साझेदारी कर टीम को शुरुआती झटके से उभारा। बाद में डेरिल मिचेल ने जेमी निसम के साथ 22 गेंद पर 32 रन की साझेदारी की। मिचेल के बल्लेबाजी के बदौलत न्यूजीलैंड टीम 152 रन तक पहुंचा। आज न्यूजीलैंड के बाकी बल्लेबाजों ने कुछ खास नहीं कर पाया। न्यूजीलैंड के बॉलिंग की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट ने 33 रन देकर 2 विकेट ली, वहीं मिचेल सेंटनर को 1 विकेट मिला। मोहम्मद रिजवान को आज प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी नए नए खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।